लंबे समय से भाजपा के कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले खीमसर विधायक हनुमान बेनीवाल एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं। गुरुवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक व खीमसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने एनडीए गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री व भाजपा राजस्थान लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी के साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी मुख्यालय पर इसका ऐलान किया है। प्रदेश में भाजपा 24 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। वहीं भाजपा ने नागौर सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल से लोकसभा चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देश पाकिस्तान और चीन को जवाब दे सकता है। आरएलपी के कार्यकर्ता लगातार उन पर एनडीए से समझौते का दबाव बना रहे थे, इसीलिए हमने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने के लिए एनडीए से समझौता किया है। बेनीवाल ने साथ ही कहा कि वे कांग्रेस को हराने के लिए राजस्थान के साथ साथ पड़ोसी प्रदेशों में भी प्रचार करेंगे। प्रदेश का हर नौजवान हमारे ऊपर दबाव बना रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ो, अगर आपको गठबंधन करना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करें। मैं जावड़ेकर साहब ने जैसा बताया, आरएलपी राजस्थान की, आरएलपी के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी ने एक नागौर की सीट छोड़ी है, बाकी तमाम 24 सीटों के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और पंजाब के जो लगते हुए इलाके हैं, यहाँ आरएलपी के लाखों कार्यकर्ता नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी ताकत लगा देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान के अंदर 25-0 का रिजल्ट आएगा, 25 में भारतीय जनता पार्टी और जो गठबंधन आरएलपी का होगा 25 में ये जीतेंगे। कांग्रेस का सुपड़ा साफ यहाँ भी करेंगे, हरियाणा में 10-0 और दिल्ली 7 और यूपी के अंदर भी नया करिश्मा होगा। लाखों आरएलपी कार्यकर्ता आज से ही नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जुड़ जाएंगे। निर्दलीय रूप से खींवसर से विधायक रहे, ऐसे तीसरी बार विधायक बने और उन्होंने एक अपने राजनीतिक दल बनाया आरएलपी। हमने दोनों ने बैठकर निर्णय किया है कि आरएलपी एनडीए का एक घटक होगा और साथ मिलकर हम ये चुनाव लड़ेंगे। तो बेनीवाल जी को इस योजना में वे हमारे साथ हैं और आरएलपी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया बेनीवाल जी को हमने आग्रह किया है कि वो नागौर से लड़े। नागौर की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार के हैसियत से वो लड़ेंगे और बाकी सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। केवल राजस्थान नहीं, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनके सभी कार्यकर्ता इसके लिए जोर से प्रचार करेंगे।